इट्स सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सामने है न्यू R15 वर्जन 4 और भाई साहब क्या सही लुक आ रहा है। मतलब देखो यार, ये सामने से जो लुक आ रहा है ना, पूरा R6 और R1 का फील दे रहा है हमें। और ये जो प्रोजेक्टर जो MT में आते थे वो अभी R15 में भी आ गए। और ये DRLs बोलते हैं ना, लवली दिखते एकदम, बहुत सेक्सी लुक आ रहा है बाइक का सामने से देखोगे तो। और बोलते ना, पूरा टोटली लुक चेंज हो गया है अभी R15 V3 से लेके V4 तक का जो डिफरेंस है ना, अच्छा खासा दिखता है अभी। और बाइक की मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दूंगा क्योंकि और भी वीडियोज़ है जिन्होंने ये सब बनाया होगा, मगर मैं इसमें आपको इसका परफॉर्मेंस दे दूंगा कि बाइक कैसी है परफॉर्मेंस के लिए। तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो। और पहले चलो यार, पहले बाइक को बैठ के देखते क्या फील आ रहा है। वाओ, तो लिटरली वाओ यार, क्या फील दे रही है बाइक इधर से। और थोड़ा पोस्चर की बात करूँ तो थोड़ा अभी हैंडल बार ऊपर आ गए ऐसा लग रहा है, पहले V3 थोड़ा ज़्यादा ही नीचे थी, मगर ये वाले हैंडल बार थोड़ा ऊपर आ गए ऐसे दिख रहे हैं। और डिस्प्ले की साइज़ भी अभी आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ अच्छे से। वाओ, डिस्प्ले की साइज़ भी पहले से ज़्यादा बड़ी लग रही है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा दिख रही है इसमें, जैसे कि इसके अंदर राइडिंग मोड्स वगैरह भी है, बट वो सिर्फ डिस्प्ले चेंज होता है, बाकी उसमें परफॉर्मेंस में कुछ बाइक का चेंज नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचो कि डिस्प्ले में हम लोग मोड चेंज करेंगे तो बाइक के परफॉर्मेंस में भी चेंज आएगा, वैसा नहीं है, वो बस डिस्प्ले में चेंज होगा। बाकी इसमें अभी नए अपडेट्स की बात करूँ तो इसमें अभी ट्रैक्शन कंट्रोल आ गए, अपसाइड डाउन बॉक्स आ गए, न्यू आगे प्रोजेक्टर आ गया जो MT में आता था जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और स्विच गेयर्स के भी अभी इधर देखो, स्विच गेयर्स भी चेंज हो गए। तो और डिफरेंस की बात करूँ तो अभी बाइक में डेडिकेटेड हज़ार्ड लाइट का बटन आता है, ये देखो मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ हज़ार्ड लाइट्स। बहुत ही बेहतरीन दिख रही है बाइक। और ये प्रोजेक्टर की बात करूँ तो ये बाइक ऑन करने के बाद स्टार्ट होता है, तो 10 मीटर में बाइक बंद होने पर स्टार्ट नहीं रहता है, वो बाइक ऑन करने के बाद स्टार्ट होता है। और मेरे हिसाब से ये पहली बाइक होगी जिसमें ये सेगमेंट में अप्स एंड डाउन फोक्स आ रहे हैं, जो कि बहुत बोलते ना फ्लेक्स करने के लिए बहुत अच्छी दिख रहा है। और बाइक भाई साहब, मतलब बोलेगा अच्छा खासा कॉम्पिटिशन यमहा ने इधर दे दिया है V4 को लेके। पीछे से बात करूँ तो ये जो है ये पोर्शन भी अभी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर पीछे से भी R6 और R1 का फील आया हमें, तो वो एक पोर्शन अच्छा खासा बड़ा कर लिया है। और मैट ब्लैक में भाई साहब बाइक क्या दिख रही है, मतलब क्या ही बात करूँ यार। और मैट ब्लैक हमारा एकदम फेवरेट कलर है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा मेरी फ्यूरी भी मैट ब्लैक है और ये बाइक भी मैट ब्लैक है, तो ज़्यादा पसंद आ रही है मुझे। तो अभी बाइक को थोड़ा चला के देखते, 0 से 100 वगैरह देखेंगे हम लोग, फर्स्ट गियर में कितना टॉप स्पीड दे रही है, सेकंड गियर में ऐसे, हम लोग फोर्थ गियर तक चेक करेंगे और बाइक का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि आगे आगे बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है टॉप स्पीड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाइक को। बाइक की फायरिंग देख लो, बहुत ही रिफाइन इंजन लग रहा है इसका, बहुत ही रिफाइन। तो सबसे पहले अभी 0 से 100 देखेंगे, बल्कि उसके बाद हम लोग पहले फर्स्ट गियर का देख लेते। तो ये हम लोग ने बाइक रुकाई, ये गई 0 पे, बाइक की ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी बहुत ऑसम है इसमें, मतलब लगा नहीं था इतना, एकदम बोलते ना टॉप नॉच ब्रेकिंग है अभी इसमें। तो एक बार इधर रुक के मैं आप लोग को इसका फिर से हर गियर का टॉप स्पीड बता देता हूँ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ V4 के बारे में। तो एज़ कम्पेयर टू V3, V4 में PHP बस 0.25 कम हुआ है और टॉर्क बढ़ा दिया गया है, और ऊपर से बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आ गया है ताकि बाइक पीछे से स्लिप ना मारे। आप लोगों को पता होगा ट्रैक्शन कंट्रोल क्या और कैसे काम करता है। तो अभी बस आगे से हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे बाइक का टॉप स्पीड। तो ये किलोमीटर वायर जिसका निकाल के रखा है, इसके लिए स्पीड मेंशन नहीं हो रहा है, बट आप लोग उसके RPM से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितना क्या है।
तो चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या पावर है, मतलब कोई तोड़ नहीं, V4 का कोई तोड़ नहीं है इधर, कमाल की पावर है। जो मैंने बताया BHP कम किया है वो तो फील तक नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा BHP कम हो गया रहेगा, बाकी बाइक एक नंबर है यार। आप लोगों को फिर से एक बार मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, यही था R15 V4 और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाइक बहुत कमाल की है, आई होप आप लोगों को ये बाइक पसंद आई होगी। अगर आप लोग को बाइक पसंद आई होगी और मेरा स्टार्टिंग का सिनेमैटिक भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जो भी R15 लवर्स है उनके साथ शेयर करो। दैट्स इट, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।